मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में रंग पंचमी की गैर का उत्साह देखने को मिला। इंदौर में जमीन से लेकर आसमान तक हर जगह रंगों की बौछार देखने को मिली। पूरा इंदौर शहर के दिल रागवाड़ा की सड़कों पर उतरा। इसकी टोरी कोने से सुबह 10:30 बजे इसकी शुरुआत हुई। गैर में लाखों लोग एक साथ होली खेलते हुए एक दूसरे को रंग गुलाल लगाते हैं, फिर चाहे वो उनका परिचित हो या फिर कोई अनजान। इसलिए कहा जाता है कि इंदौर की गैर गैरों को भी अपना बना लेती है। माना जाता है कि गैर का इतिहास कई सौ साल पुराना है। बाबा रामदेव बाबा का चौथा सा सेवक इस अयोध्या नगरी में रहता हूँ। वो दादा की याद में हर साल मैं इंतजार करता हूँ कब ये फाग उत्सव आए, कब रंग पंचमी आए, कभी मेरा दादा आए और ये फाग उत्सव का आनंद पूरी जनता लेकर जाए। जय जय सिया राम। ये राम भक्त इस धर्म ध्वजा का मान रखते हुए उनकी याद में आज ये ध्वजा घुमा रहा हूँ। जहाँ भी है मेरे दादा मस्त रहे और भाग यात्रा में जरूर एक बार आने का कष्ट करे। बोल सावरिया सेठ की। कहा जाता है कि इंदौर में गैर की परंपरा होलकर वंश के समय से ही चली आ रही है। इस दिन होलकर राजवंश के लोग आम जनता के साथ होली खेलने के लिए निकलते थे। इसका उद्देश्य ऊंच नीच की भावना को मिटाकर आपस में मिलजुल कर त्योहार मनाना और भाईचारा बढ़ाना था। दरअसल भारत की आज़ादी के साथ रियासत का दौर खत्म हुआ था। ठीक उसी तरह 1950 में एक नई शुरुआत हुई। इसी के साथ रंग पंचमी का आगाज हुआ। टोरी कौन ही इंदौर का वो मशहूर इलाका था जहाँ पर मिल श्रमिकों, श्रमिक नेता और मिल मजदूरों ने मिलकर इसकी शुरुआत की। उस दौर की बात करें तो मशहूर बाबूलाल गिरी, रंगनाथ कार्निक पहलवान, बिंदी पहलवान का नाम याद किया जाता है। शुरुआती दौर में सिर्फ दो बैलगाड़ियों पर ये रंगारंग गैर टोरी कोने से रागवाड़ा लाई गई। बाद में बैलगाड़ियों की तादाद बढ़ती गई। इसमें मालवा निमाड़ के आदिवासियों की टुकड़ी शामिल होने लगी। आज हमें इसी का भव्य रूप दिखाई देता है। अब इंदौर की गैर एक तस्वीर बन गई है जो सबके दिलों पर छा गई है। ये एक ऐसा अनूठा आयोजन है जिसकी विदेशों तक में पहचान है। राजबाड़ा में लोग डीजे पर नाचते गाते रहे। मशीनों से रंग गुलाल उड़ाया गया। इधर नगर निगम की टीम ने गैर रूट की सफाई शुरू कर दी। इसके लिए 500 कर्मचारी एक साथ उतारे गए। एक दो घंटे में ही सड़कों को पहले की तरह चकाचक कर दिया गया। गैर समाप्त होने के बाद सफाई अभियान शुरू किया गया। इंदौर की ये खास परंपरा वाकई एक मिसाल है।